wanna pray, pray tonight. Oh, baby, can you pray? Baby, can you pray, pray? So hello and welcome back to the channel That Pahadi Boy once again. And today we are in Mumbai. मतलब जो है काफ़ी दिनों बाद मुंबई घूमने आए हैं और मुंबई में एक बार फिर से जो है थोड़ा काम से आए थे, शूट से रिलेटेड आए थे और अब मुंबई में जो है थोड़ी सी अय्याशी करने वाले हैं, थोड़ा सा घूमने वाले हैं और मुंबई को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी तक जो लोग मेरे भाई लोग जो है मुंबई नहीं आए और मुंबई अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत ही चीपेस्ट बजट में, तो मैं आपको आज मुंबई घुमाने वाला हूँ। तो अगर आप अंधेरी से आ रहे हैं, अंधेरी सबसे मेन स्टेशन है मुंबई का, अगर आप अंधेरी से आ रहे हैं तो सिर्फ 10 रुपये में आप चर्च गेट उतरिए और चर्च गेट से सीधा 6 रुपये की बस लीजिए जो आपको सीधा गेट वे ऑफ इंडिया छोड़ेगी। कैसा व्यू होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी दिन से रात तक क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाता हूँ। जो आप मेरे सामने जस्ट पीछे देख रहे होंगे तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया और हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया की स्ट्रीट पे, और ये आप मेरे पीछे सामने देख रहे होंगे ये है ताज एंड मतलब ताज द ताज पैलेस होटल जहाँ, और इसके अलावा ये जो है आप देख रहे होंगे सी बीच पूरा। अब हम लोग जो है इसमें फेरी एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो बोट्स होती है ना इनको हम फेरी बोलते हैं, ये जो बोट्स होती है पीछे छोटी छोटी देख रहे हैं आप इनको हम फेरी बोलते हैं। तो फेरी में घूमेंगे, 90 से 100 रुपये का टिकट होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। पहले छोटा सा व्यू आप ये वाला एंजॉय कर लो जिसके सिनेमैटिक शॉट में ऑलरेडी बना चुका हूं। और इसके अलावा जो है गेटवे ऑफ इंडिया, आप इसके बाद फेरी का मज़ा लेते हैं, फेरी में क्या क्या मज़ा आने वाला है सीधा चलते हैं, आप दिखाता हूं। तो भाई अभी फिलहाल जो है हम ताज होटल में आ गए हैं, ताज महल में जो जस्ट मेरे पीछे था। तो क्या हुआ ना यार, टी शर्ट में कुछ हादसा हो गया था तो अच्छा हो, लेकिन मैं सेकंड टी शर्ट लेके आया था और ये जो है हमने दूसरी टी शर्ट तैयार कर ली अपनी। तो चलते हैं सीधा बाहर चलते हैं और बाहर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ताजमहल होटल में आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है लंच करने वाले हैं, सुबह से आए हुए थके हुए हैं। तो टी शर्ट का जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हम लोगों ने चेंज कर लिया फाइनली, और यहाँ से हम चलते हैं सीधा गेट ऑफ इंडिया की तरफ। और भाई टी शर्ट जो है चेंज हो गई है और जैसा कि आपको बताया था हमने, अब जो है हम लोग लंच भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर की सैर करने वाले हैं। सो दिस इज़ द लुक ऑफ होटल और अब हम लोग जो है बाहर जाने वाले हैं और बाहर कितनी मस्ती करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आउटसाइड आ गए हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो गेटवे ऑफ इंडिया, और इस होटल में जो है हम लोग रुके थे जहाँ हम लोगों ने छोटा सा लंच किया था, कैमरा रोक लिया था उन्होंने वैसे। और ये है दोनों ताज और द ताज पैलेस, और मेरे पीछे जस्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से हम लोग फेरी लेंगे जो 45 मिनट तक जो है थोड़ा समुद्र के चक्कर कटवाती है, और उसमें हम लोग बहुत शॉट लेने वाले हैं और बहुत बातें करने वाले हैं, और किस तरह का वो पूरा व्यू होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई इतनी भीड़ ना मैंने आज से पहले कभी जो है गेट ऑफ इंडिया में नहीं देखी, क्योंकि जो है कल ही ईद थी और ईद के बाद सारे लोग जो है यहाँ पे घूमने आए हैं, फिरने आए हैं और अपने मूवमेंट को एंजॉय करने आए हैं। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि मैं ना यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा। तो हम लोगों को लग रही है भूख क्योंकि दिन के बज रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। तो ये है सामने ताज महल पैलेस और ये है मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोनों जगह मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो घूमते हैं, कोई और लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं यार, यहाँ इतनी गर्मी में और इतनी क्राउड में मतलब बहुत मुश्किल है ना। सीधा खाते हैं, खाने चलते हैं, और तो उसके बाद मैं आपको मुंबई की कुछ गलियाँ और ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो शायद आपने नहीं देखी होगी। तो चले भाई अब जो है फाइनली जो है दिस इज़ फेरी, हमारे यहाँ इसको बोट बोला जाता है और मुंबई में इसको फेरी बोला जाता है, और इसमें जो पास रहो आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। और इसे हम लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं, एक 45 मिनट का राइड लेने वाले हैं, प्राइस है 115 पर पर्सन,
और इसमें बैठेंगे और 45 मिनट तक जो है बीच समुंदर में जाके जो है इसकी थोड़ी सी राइड का मजा लेंगे। तो किस तरीके का मजा आने वाला है देखते हैं, और उसी में थोड़े से सिनेमैटिक शॉट रील्स सब उसी में बना डालेंगे आज। तो चलते हैं सीधा, सेकंड राउंड होने वाला है अपना फेरी, और उस फेरी में चलते हैं और मजे लेते हैं, कितना मजा आएगा चलो देखते हैं। ये इन्होंने अलग कमाई कर रखी है, 20 रुपए देने हैं ऊपर अगर जाना है। वाह, भूख रहेगा। तो भाई फेरी में सीधा बैठ गए हैं और यहाँ से मजे होने वाले हैं पूरे डबल, क्योंकि जो है यह है गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ से हम चलते हैं सीधा आगे की तरफ। फेरी थोड़ा ना ऐसे ऐसे हो रही है तो चलो सीधे चलते हैं और आगे का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। भाई फाइनली इन फेरी और ये है फेरी की कुछ राइड्स और ये है हमारी मोटर बोट। 45 मिनट की पूरी टोटल राइड थी, बहुत अमेजिंग राइड थी, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप करने वाले, क्योंकि हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे सूरज के ढलने का और सूरज ढल चुका है, और क्या क्या मजा होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सीधा चलते हैं, फेरी की राइड हो चुकी है, सिनेमेटिक शॉट भी आपने ऑलमोस्ट सब देख लिए होंगे और चलते सीधा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो भाई मुंबई की अब जो एक बस दिखाने वाला हूँ जो आपने अभी तक टीवी में देखी होगी वो है ये है मुंबई की डबल डेकर बेस्ट BEST बस, और ये है सिंगल डेकर, ये है डबल डेकर और ये है ओपन डेकर, देख रहे हो आप। हम लोगों के रूट पे बस जारी होगी, मतलब CST स्टेशन अगर ये जारी होगी तो हम जो है इस पर सवारी करेंगे, और ये है पूरा व्यू। तो गाइस अब जो है अंधेरा हो गया है और मुंबई जो है रात की रानी है, और इस वक्त जो है हमें बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मुंबई की जो कि है CST स्टेशन। ये देखो, मोस्टली आपने हर सिटी या हर स्टेट के स्टेशन ऐसे नहीं देखे होंगे जैसे मुंबई के CST स्टेशन है, मतलब चर्च गेट स्टेशन नहीं, सॉरी CST को कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये यहाँ का लुक है, एक बार इसके मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ। देखा कुछ इस तरह से यहाँ की खूबसूरती है, मतलब इसके ना कलर चेंज होते रहते हैं, अभी सेम कलर है लेकिन इसके कलर जो है चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल। ईद वाले दिन इसका कलर जो है पूरा ग्रीन हो गया था, और जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। तो कुछ इस तरह से खूबसूरती है मुंबई की, ये पता नहीं क्या है लेकिन ये जो है CST स्टेशन है। और इसके बाद जो है दो पॉइंट हमारे हो गए, एक मैंने आपको गेटवे ऑफ इंडिया बता दिया, दूसरा CST स्टेशन रात में ज़रूर देखें, और तीसरा मरीन ड्राइव जो है 5 से 7, मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में जाना चाहिए क्योंकि सनसेट होता है। तो लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं मिला, तो अब हम लोग जो है मरीन ड्राइव की तरफ रुक कर रहे हैं,
तो यहाँ से सीधा थर्ड प्लेस मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव में इस ब्लॉक को एंड कर देंगे। और मरीन ड्राइव कितना खूबसूरत होने वाला है ये मैं आपको दिखाता हूँ।